नमस्कार नमस्कार बलिंदा साहब। समय हो गया है 9:14 और 17 सेकंड। सत श्री अकाल सर। जो बोले सो निहाल। बहुत बढ़िया। आइए आइए आइए, ज्वाइन होइए, बातचीत करेंगे आज हम लोग बैठ के। अरे आज तो मार्केट पूरा रो में एकदम खुल रहा है। क्या बात है कि नहीं? एकदम पूरा का पूरा एकदम रो में है। एकदम देखिए खुल गया, एकदम ऊपर खुलते के साथ 40 250, 40 300 हो गया। बाप रे बाप, 40 300 हो गया खुलते के साथ। देखिए कैसे भाग गया, ये सब आ रहा है। 300 के ऊपर निकलेगा ना, 40 300 का पुट तब लिया जाएगा, नहीं तो अभी छोड़ दीजिए। नहीं निकल रहा है तो नहीं लेंगे। 40 300 के ऊपर निकलेगा तब लीजिए। रिस्क लेना है तो जरूर लीजिए, क्योंकि है तो मूवमेंट में शॉर्ट कवरिंग करने के चक्कर में है। चलते रिलायंस के तरफ चलते हम लोग, है ना। रिलायंस चलिए रिलायंस तेजी के साथ। क्या हो गया सर? रिलायंस में गेनर्स के उसमें शामिल है रिलायंस। एससीएल टेक भी गेनर्स में ही है। थोड़ा सा हम लोग को देखना ये रेजिस्टेंस एरिया है 1090। ओके, और एक है इतना, ये एरिया भी आता है। ठीक है, सीआर कहाँ गया? सीआर मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या आप लोगों को?
गोदरेज सीपी, टाटा कंज्यूमर। एक छोटा सा लो लगाएंगे, 288 का लो मारा है इसने। मैं यहाँ पे 288 का एक स्टॉप लॉस लगाता हूँ। 288 ने तो 287 रुपये और 287 रुपया 25 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाता हूँ और यहाँ पे छोड़ देता हूँ। बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट भी नहीं, 7 पॉइंट 8 पॉइंट का है स्टॉप लॉस। सो 16, चलिए देखते। इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे स्टॉप लॉस। 340 हो गया, 308 हो गया। इसको हटाए देते हैं क्योंकि है तो मूवमेंट। चल साउंड नहीं जा रहा है ना, पक्का नहीं जा रहा होगा, इसलिए आप लोग कुछ बोल नहीं रहे मुझे। जा रहा है, ओके ओके। नमस्कार नमस्कार धर्मेंद्र जी, नमस्कार सारे लोगों को, जा रहा है। ठीक है ठीक है, पुट ऑप्शन। चलिए पुट ने, मैं कहाँ था, मैं कुछ करना चाह रहा था। एससीएल टेक गेनर्स में है, ओके। कैश की बात कर रहे हैं हम, एससीएल टेक रिलायंस। टेक महिंद्रा, सारे गैप अप खुले नहीं। ये भी रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस एरिया है टेक महिंद्रा।
नमस्कार नमस्कार। 40,400 के पुट पे भी नजर रखिए। चालीस हजार 400 के पुट हो नजर। थोड़ा देखिए, रिजेक्शन जगह पर तो है, इसमें तो नो डाउट है ना। बैंक निफ्टी रिजेक्शन जगह पर है, इसमें नो डाउट। 40,400 के पुट पे भी आप नजर रख सकते हैं। 40,600 का थोड़ा ऊपर लेना है तो 40,600 के पुट पे भी नजर रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, हालांकि मार्केट में पेन भरा हुआ है, दर्द भरा हुआ है, इतना ज्यादा ना कि आपको सिर्फ शॉर्ट कवरिंग मिलता है। अभी सिर्फ शॉर्ट कवरिंग, एक एरिया बना रखा है, इसने अगर इसके ऊपर निकाल देता है तो एक मूवमेंट आ जाएगा, मजा आ जाएगा। इसके ऊपर जाने के बाद इसमें एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है। 40,450 के आसपास ट्रेड कर रहा है, देख रहे हैं। ला रा ला रा ला है तो हड थोड़ा थोड़ा लेते रहना है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आता है तो उसको लेते रहना है। रिलायंस पे नजर ही रखे हैं। देखिए, रिलायंस एक बाय साइड लिया जा सकता है। अगर रिलायंस में कोशिश करें इस एकेडमिक पर्पस के लिए तो जरूर लिया जा सकता है। रिलायंस में एक छोटा सा ले सकते हैं, मूवमेंट में तो है रिलायंस। ये थोड़ा ऊपर चला गया इसलिए इसकी बात ही हम नहीं करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक में जरा देखें क्या चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी ठीक ठाक है और ये हर्डल है 867, ठीक है, इसको वो ब्रेक कर गया, ओके ठीक है। और यहाँ था 861 ये प्राइस, ठीक है, और इसके ऊपर। तो चलिए आईसीआईसीआई बैंक में एक एकेडमिक पर्पज। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि क्यों आखिर हम लोग क्यों खरीद रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक। बताइए क्यों खरीद रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक, एकेडमिक है, बताइए तो क्यों खरीद रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक। देखिए आईसीआईसीआई बैंक है ना, नीचे आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए पिछले 23 तारीख को एक रेजिस्टेंस एरिया था, और इसके पास भी देखते हैं तो ये वाला पॉइंट भी रेजिस्टेंस है, 862 से 867 एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो इसको रिटेस्ट कर लिया। ये कैंडल देख रहे हैं ये ना, ये नीचे आते हुए इस पॉइंट को रिटेस्ट कर रहा है, तो रिटेस्ट करने के बाद अगर ऊपर की साइड में जाता है तो जरूर मूवमेंट आएगा, नहीं गया तो नीचे हम लोग यहां से वापस टकरा के गिर गया तो फिर ट्रेंड बदल जाएगा। टकरा के गिर जाने के बाद ट्रेंड बदल जाएगा। अगर इसके नीचे, इस लाइन के नीचे क्लोज हो गया, अगर 867 के नीचे, तो समझिए ट्रेंड वापस से निगेटिव, तब ट्रेंड जो है वापस से निगेटिव। जब तक उसके ऊपर है तब तक ट्रेंड ठीक है, जब तक, जब उसके नीचे आ जाएगा ट्रेंड वापस से जो चल रहा था निगेटिव, सो निगेटिव हो जाएगा। बस इसके लिए लिया गया है, हालांकि बैंकिंग सेक्टर ही है। और अगर ये ऊपर गया, सब कुछ सही तरीके से गया, तो 872, 877 ये सब एरिया आपके टारगेट बनेंगे, 873, 72, 75 ये सब।
मॉर्निंग मॉर्निंग राघवेंद्र जी, ऑल ओके? ठीक है मदन जी, ऑल ओके ठीक है। बताइए क्यों क्यों यहां पर रॉन्ग भी हो सकता है। अगर ये 867 के नीचे क्लोज कर गया, इस लाइन के नीचे, तो समझिए वापस से ट्रेंड इसका निगेटिव हो जाएगा, है ना। और अगर इसके ऊपर ही रह गया तब तो ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। कल तो रामनवमी में इतना व्यस्तता रहा ना, रात 11 बजे घर आए। छियासठ सड़सठ के नीचे सस्टेन होने पर इसका ट्रेंड बदल जाएगा, और अगर इसका ट्रेंड बदल जाएगा, जब इसका ट्रेंड बदल जाएगा तो ये निगेटिव साइड वापस से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 866 का स्टॉप लॉस लगा के, या वाला पॉइंट को 800, हाँ 66 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रह सकते हैं। एकेडमिक पर्पस है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से आप देख सकते हैं, आप उसको लेके चले। 866 और ये 867 है ना, 867 गया है, तो इसको मैं कर देता हूँ 866 रुपया, 66 रुपया 50 पैसा, और 866 रुपया 25 पैसा, उल्टा हो गया ना, 25 और ये 50। कहाँ गया भाई? ओ सॉरी, MIS में है तो मैं MIS प्लस ले रहा हूं। ओहो, चल एक स्टॉप लॉस लगा दिया। इस एरिया के नीचे आने पर ट्रेंड निगेटिव हो जाएगा। जब तक उस एरिया के नीचे नहीं आएगा ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। अब आप लोग बताइए क्या लगता है आप लोग को, क्या ये ऊपर जाएगा या नीचे? अब आप लोग बताइए तो। क्या लग रहा है, ऊपर या नीचे? रिलायंस बिल्कुल सही जगह से बाउंस किया, ये एरिया लाइन लगा रखा था किसके ऊपर से भागना चाहिए। ऊपर ओके प्रमोद जी,
नमस्कार नमस्कार राघवन जी कह रहे ऊपर, ठीक है देखते हैं। रिलायंस बिल्कुल जो लाइन लगाया था कि यहाँ से जाना चाहिए ऊपर, ये देखिए बिल्कुल यहाँ से ऊपर गया है, 2296 से आ गया 2309। और हम लोग अभी आईसीआईसी बैंक को देख रहे हैं ना, तिहत्तर से लेके 74 से 75 ये सब टारगेट होगा ऊपर के एरिया पर। एकेडमिक ये रेजिस्टेंस एरिया है और अब वो सपोर्ट बन गया। ये जो लाइन लगा रखे थे ये दो ब्लू लाइन, ये पहले रेजिस्टेंस एरिया होता था, है ना, ये रेजिस्टेंस एरिया था, है ना, और ये रेजिस्टेंस एरिया था। तो इसके ऊपर वो सस्टेन कर रहा है, तो अब जैसे जैसे वो सस्टेन करेगा तो ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो देखिए 874 अब अगला रेजिस्टेंस पकड़ने की कोशिश कर सकता है, जो कि 874 73 के आसपास आता है और 877 के आसपास में भी आता है यहाँ वाला। तो उतना ऊपर नहीं, हम लोग थोड़ा नीचे ही रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 50 क्वांटिटी में ही 200 रुपए का 100 रुपए का आ गया, हम प्रॉफिट 112 हो गया। तो देखते जाते हैं हम लोग। आप चाहें तो स्टॉप लॉस ऊपर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस चाहें तो ऊपर लगा लीजिए, एकदम एक दो पॉइंट का स्टॉप लॉस। देखिए कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं अब हम लोग, एक पॉइंट का, है ना, कितने पॉइंट का ले रहे हैं स्टॉप लॉस, एक पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, 867 और 867 रुपया 867 रुपया 20 पैसा, एक डेढ़ पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो गया, छोटा सा एक स्टॉप लॉस हो गया। छोटा सा स्टॉप वेट करते जाएंगे कि क्या वो हमारे टारगेट को अचीव करता है या नहीं करता है। नहीं करेगा तो नहीं करेगा, हालांकि चूंकि बैंक निफ्टी का ये पार्ट है ना, तो बैंक निफ्टी अगर नीचे आएगा तो ये भी नीचे आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। बैंक निफ्टी अगर नीचे आएगा तो ये भी नीचे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। वेटिंग फॉर रिवर्सल इन रिलायंस, ओके प्रमोद जी, तो कोई बड़ी बात नहीं कि बैंक निफ्टी के साथ ये भी नीचे आ जाएगा, लेकिन ये चीज हम लोगों को पता चल गया कि हाँ वो हमारे लिए काम कर रहा है, ये चीजें, ये एरिया हमारा काम करेगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया। बैंक निफ्टी 40,500 का हाई मार चुका है एग्जैक्ट, तो ये एरिया अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इसी तरह देखिए ये जा रहा है, इसी तरह एक स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर क्या बता रहा है ध्यान से देखिए, टाटा कंज्यूमर क्या बता रहा है, इसमें देख लिया ना कैसे। तो टाटा कंज्यूमर में ये पॉइंट रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस एरिया। देखिए यहां पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, और इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर जब तक क्लोज करेगा वो पॉजिटिव रहेगा। दूसरा एक रेजिस्टेंस एरिया यहां पर है हडल में, यहां पर। तो अब ये कुल मिला के बाद क्या हो गया कि 703 से लेके 705 वाला जो एरिया ये हडल है ना, एक बार इसके ऊपर अगर ये निकल जाए 705 के ऊपर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप बिल्कुल 705 के ऊपर टाटा कंज्यूमर को पकड़ के चलिए, 705 के ऊपर निकलेगा तो आपको बाइंग देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक हम लोगों का काम बेहतर तरीके से करता हुआ जा रहा है। नहीं देखिए क्वांटिटी पे डजंट मैटर, आपको कॉन्फिडेंस लाना है पहले, छोटे क्वांटिटी से सपोर्ट को पकड़ना है, मार्केट को पकड़ना है, रेजिस्टेंस को पकड़ना है, सब पकड़ के तब जाके आप ट्रेड करने की कोशिश करिए। ये एकेडमिक पर्पस है ना, पहले ही आप सोच लेंगे कि नहीं हमें बड़े बड़े, हाँ आप चूंकि आप लोग एक्सपीरियंस वाले हो गए तो बड़े बड़े तो मिल जाएंगे प्रॉफिट, लेकिन एग्जैक्ट जिस जगह से लिया उसी जगह से क्या वो जा रहा है आपके डायरेक्शन में। अगर जा रहा है तो आप एक अच्छे ट्रेडर है, अगर जिस जगह से आपने लिया वहीं से वो मूव करके ऊपर चला गया, वहीं से नीचे आ गया, तो
आप वेरी गुड ट्रेडर, बहुत अच्छे ट्रेडर। ये एक समय के बाद आ जाता है, एक समय के बाद आप करने लग जाते हैं, आपसे भी हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 50 क्वांटिटी में 100 रुपए बन रहे हैं, खराब बन रहा है बताइए। तो जिसको 100 रुपए की जरूरत है, मेरा एक दोस्त है वो ट्यूशन पढ़ाता है, बोला यार 100 रुपए भी रोज का हो जाएगा ना तो मैं ट्यूशन बंद कर दूंगा। क्या बोला? 100 रुपए भी रोज का हो जाएगा तो ट्यूशन बंद कर देगा, वो ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। तो उसके लिए तो ये 100 रुपए हो गए ना कि नहीं हुए? यस और नो? मैंने उसको बोला ये 100 रुपए ये तो आराम से कर, सिंपल तरीके से सपोर्ट एंड अंडरस्टैंड बताया आपने, थैंक यू योगेश जी, थैंक यू। तो बहुत ही आसान तरीके से, तो 100 रुपए तो उसके लिए देखिए कितना मायने रखता है। वो क्या बोला कि अगर मेरा अगर इसी से 100 रुपए निकल जाएगा ना रवि तो मैं ट्यूशन बंद कर दूंगा। वो अभी स्टार्ट कर रहा है, करने वाला है। तो बताइए उसके लिए तो बड़ा पैसा है ना ये 100 रुपए। लोगों के लिए हो सकता है नहीं होगा, लेकिन उसके लिए तो है। सोचिए वो क्या सोच रहा है इस दिमाग में कि वो 3000 रुपए मैंने कमाता है ट्यूशन से, अगर वो 100 रुपए भी कमा पाया तो वो ट्यूशन बंद कर देगा, है ना। 1-1.5 घंटे में अगर 100 रुपए होगा तो इससे मजा और क्या। तो उसके हिसाब से मैं उसको ये दिखाने के लिए कि भाई देखो बन रहे पैसे, पैसे बन रहे 100 रुपए आराम से, बस आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट कहां से आपको एंट्री करना है। कहीं से भी तो एंट्री नहीं कर सकते ना, कहीं से तो एंट्री नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो एक तो ये हो गया ICICI बैंक, है ना, एक हो गया ये ICICI बैंक, आप इसको क्लोज कर दीजिए और इसका प्रॉफिट ले लीजिए। अब इसी तरह से टाटा कंज्यूमर भी सेम कंडीशन बोल रहा है कि भाई ये हमारा सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट, अगर इसके नीचे 703 के नीचे अगर ये क्लोजिंग करना स्टार्ट कर जाता है तब तो ये कमजोर हो जाएगा, और अगर जब तक 703 से 4 के ऊपर रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा टाटा कंज्यूमर। तो अभी एंट्री नहीं बनेगी, अभी एंट्री नहीं बनेगी, अभी टाइम लगेगा इसको एंट्री बनाने में, समय लग सकता है। लेकिन ये यहां पर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बेहतर तरीके से प्ले कर सकते हैं। 705 के ऊपर एंट्री करेंगे 703 के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो हम यहां पे एक ऑर्डर लगाते हैं, ये रख दिया ऑर्डर हमने, ठीक है, ये रख दिया हमने, ये देखिए ये एक ऑर्डर उसके ऊपर लगा दिया। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं, कोई बात नहीं, हमारा नो लॉस, क्योंकि हमें सर टाटा कंज्यूमर 20 मार्च से अभी तक 30 मिनट का ब्रेक नहीं आया। ओके रूपांशु जी, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट जी, विजय जी। तो अब यहां क्या है कि जब भी ये ऊपर जाएगा, हम में से बहुत लोग ऐसे करेंगे कि पहले ले लेगा, पहले 2-3 पॉइंट पहले मार लेगा, नहीं लेना है पहले 2-3 पॉइंट क्यों लेंगे, पहले अगर 2-3 पॉइंट ही हम उठाना था तो पहले ले लेंगे, लेकिन वो कंफर्म नहीं होगा, वो सिक्योर नहीं होगा, रूल ब्रेक हो जाएगा। अगर आप रूल ब्रेक करते हैं तो पनिशमेंट आपको मिलेगा, अगर आप रूल ब्रेक करते हैं तो फिर आपको मार्केट बहुत बड़ा पनिशमेंट देगा, याद रखिए हमेशा। तो रूल ब्रेक नहीं करना है, आएगा लेवल पे तो लिया जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। तब अगर उसको ऊपर ब्रेक करता है तो फिर टारगेट होगा 707 रुपए वाला, यहाँ वाला टारगेट होगा क्योंकि वो हर्डल है, उसके बाद 710 का हर्डल है, ये टारगेट होगा 707 और 710 का टारगेट प्ले हो सकता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर? आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं लेगी, क्या दिक्कत है। टाटा कंज्यूमर 20 मार्च से अभी तक 30 मिनट का ब्रेक नहीं मारा ना, तो चलते हम लोग 30 मिनट का लगाते हैं और चेक करते हैं। हाँ 30 मिनट के कैंडल को ये ब्रेक नहीं करता है, सही बोला आप, 30 मिनट के कैंडल को वो ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है ऊपर।
और आज का भी 30 मिनट का कैंडल 705 रुपये। रूपांशु जी वही लेवल तो मैं बोल रहा हूँ 705 कि 705 के ऊपर जाएगा। देखिए कैसे मैच कर गया हम लोगों का, कैसे मैच कर रहा है। किस तरह से मैच कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल आप 30 मिनट का फर्स्ट कैंडल, जी 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 वो चेक कर लिया रूपांशु जी, बिल्कुल वही देखिए उसी कैंडल में है ये अभी भी, है ना। इसका मतलब वो ब्रेक करेगा तो जाहिर सी बात, देखिए मेरा भी लेवल 705 ही आया और वो भी 30 मिनट के कैंडल का ही हाई है। देखिए कितना हम लोगों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से मैच हो रहा है, आप ये बेहतर तरीके से देख पा रहे। तो वेट करिए इसके ऑर्डर का, ट्रिगर होने का वेट करते हैं। बाकी आईसीआईसी बैंक का हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया, प्ले कर लिया और देखिए आईसीआईसी बैंक 700-874 चला गया। पहला रेजिस्टेंस एरिया जो हम लोगों ने ऊपर लाइन लगा रखा था ये बिल्कुल अचीव हो गया है ना, 873.75 रुपया। देखा आपने, पहुंच गया ना वहां तक आईसीआईसी बैंक। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्ले हो सकता है। तो उसके लिए 100 रुपए, मैं वही सोच रहा था कल कि भाई उसके लिए 100 रुपए कितना मायने रखता है, और किसी किसी के लिए कहेगा दूर 100 रुपए में क्या होगा, है ना, 100 रुपए में क्या होगा। तो ये स्थिति है, तो आपके लिए 100 रुपये क्या मायने रखता है, अब बताइए आप लोगों के लिए 100 रुपये क्या मायने रखता है। आप लोगों के लिए 100 रुपये क्या मायने रखता है। ये जा रहा है ब्रेक करने के लिए, टाटा मोटर शॉर्ट किया है। ओके ओके ओके, प्रमोद जी ने टाटा मोटर्स को शॉर्ट कर दिया। देखिए ऐसे ये जा रहा है टाटा कंज्यूमर ऊपर के एरिया पर, और आईसीआईसी बैंक ने टारगेट दे दिया होगा ऊपर के एरिया पर। आईसीआईसी में देखिए 874 वाला एरिया एकदम ब्रेक करके कंप्लीट कर लिया, नहीं किस तरह से आराम से कर लिया। देखिए तो टाटा मोटर्स ने, ये सॉरी आईसीआईसी बैंक ने अपना काम कर दिया, हम लोगों का सपोर्ट रजिस्टर अब
प्रमोद जी ने टाटा मोटर्स को शॉर्ट किया है। चलिए चेक करते हैं प्रमोद जी कितने शॉर्ट कर लिया टाटा मोटर्स। अच्छा टाटा मोटर्स चलते चेक करते, टाटा मोटर्स को शॉर्ट मारा है। चलो ताकत तो है, रेजिस्टेंस पर आपने शॉर्ट किया तो ये तो सही काम किया, अभी किया ना 414 के आसपास। ये एरिया के ऊपर निकलेगा तब ये पॉजिटिव होगा। ओके प्रमोद जी ओके। बाकी हम लोगों का क्या है, टाटा कंज्यूमर कहाँ चल रहा है, 8705 के ऊपर निकलेगा। देखिए निकल रहा है रूपांशु जी, 705 के ऊपर जैसे ही निकलेगा हम लोग का ऑर्डर टिगर हो जाएगा। हम लोगों ने 705.10 रुपया के ऊपर ऑर्डर रखा है, थोड़ा सा ऊपर की साइड में है ना। ऑर्डर ट्रिगर हो गया, देखिए शानदार तरीके से ऑर्डर ट्रिगर हो गया। अब हम लोग का टारगेट क्या क्या बनेगा, हम लोग का टारगेट बनेगा, देखिए 2 पॉइंट का रिस्क है हमारा, सिर्फ 2 पॉइंट का। अब हम लोग का टारगेट क्या क्या बनेगा, आइए 7 क्वांटिटी कैसे ले लिए, हमको तो 75 लिखे थे, 70 लिखे थे ना। अरे यार ओहो, ये तो गड़बड़ा गया। सत्तर की जगह 7 लिखा गया, धत तेरी का। अरे ये क्या हो गया, कहां मामला कहां फंस गया हम लोगों का भाई। ओ ओ ऑर्डर लगा हुआ है, ऑर्डर लगा हुआ है, दिया नहीं है, ऑर्डर लगा हुआ है, 70 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा रखे हैं लेकिन ऑर्डर दिया नहीं है, ऑर्डर दिया नहीं है, पूरा का पूरा दिया नहीं, वो ब्रेक करके ऊपर चला गया। वही हम कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सही है हमारा, तो ऑर्डर दिया ही नहीं है, इतना तेजी से निकला कि ऑर्डर दिया ही नहीं है। चलिए हम इसको मोबाइल से मॉडिफाई करके ले लेते, देखिए दे दिया, मैंने मोबाइल से मॉडिफाई करके ले लिया। ठीक है, देखिए कि ऑर्डर तो हम लोगों ने 70 का लगाया था, ये 7 क्वांटिटी कैसे दिया, ऐसा होता है आप लोगों के साथ भी क्या कि स्पाइक लगा के ऊपर चला जाता है। अब हम लोग का स्टॉप लॉस कितने का होगा, अब हम लोग का स्टॉप लॉस होगा ये 703 रुपया वाला लेवल, ठीक है ना, 703 छोटा सा स्टॉप लॉस, 2.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट ऊपर 710 तक का हम लोग लेके चलेंगे। ऐसा होता है आप लोग के साथ कि ऑर्डर लगाइए कुछ मिल जाता है, कुछ पार्सली एग्जीक्यूट हुआ था एक्चुअली। पार्सली एग्जीक्यूट हो गया था भाई, मैं कह 70 था, 7 कैसे हो गया भाई। चलिए वेट करेंगे हम लोग, बस इसका टारगेट 710 रुपए, 703 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए यहां पर, 702.50 रुपया का एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं, 70 क्वांटिटी का स्टॉप लिमिट में जाएंगे, 702 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 80 पैसा और 703 रुपया, यही तो है हमारा। इसके नीचे आएगा तो ये कमजोर हो जाएगा, तो हमने स्टॉप लॉस मेंटेन कर लिया। ठीक है, सेम और वेट करके चले।
चलिए देखिए कितना शानदार से अब वो हमारा ब्रेक करके ऊपर की साइड में गया है, तो किस तरह से ये ऊपर की साइड में भागने की कोशिश कर रहा है। आराम से जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। 710 तक हम लोग वेट करेंगे। मैं पूरा समय तो नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मुझे वाइफ को लेके जाना है, वोटिंग दिलवाने। आज एमएलसी का इलेक्शन है तो उनको लेके जाना होगा। लेकिन यहाँ पे आप सीखिए किस तरह से चीजें काम कर रही है ना। ये एरिया कैसे आइडेंटिफाई किया? चार्ट देख के, पैटर्न देख के, है ना, प्राइस देख के। कैसे आइडेंटिफाई किया? चार्ट देख के, पैटर्न देख के, प्राइस देख के। ये सारी चीजों को देखिए, आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद लीजिए। कल जब उस लड़के से बात हो रही थी, 100 रुपए वाली बात उसने बोला ना, तो मुझे बड़ा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ मैं कि देखो इसके लिए 100 रुपए कितना इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि रवि अगर मुझे 100 रुपए भी यहाँ से मिल जाएगा ना रोज, तो मैं जो हूँ छोड़ दूंगा ट्यूशन पढ़ाना। मैंने कहा यार देखो कितना मासूम सा सवाल है इसका। और किसी किसी के लिए 100 रुपए क्या होता है, कोई मजा नहीं मिलता उसको, कुछ वैल्यू नहीं समझते। यार इसको देखो क्या जबरदस्त ये बंदा है, सोच रहा है 100 रुपए भी हो जाएगा तो इसका काम हो जाएगा। बहुत मुझे लगा कि भाई, तो वही मैं दिखा रहा हूँ कि आप देखिए आप कैसे, आप छोटे क्वांटिटी से लेके 100 रुपए बनाना है तो आप कर सकते। जेब खर्च, पॉकेट खर्च, क्यों नहीं निकलेगा भाई, क्यों नहीं निकलेगा। देखिए जा रहा है, आराम से जा रहा है, भाई साहब जा रहा है ना। कैसे चीजों पे काम हो रहा है आप लोगों का, किस तरह से समय हो गया है 10:02:09। 710 का टारगेट होगा। जाने का तो और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन 710 का एक टारगेट होगा। क्या आप लोगों ने लिया? बैंक निफ्टी फ्लैग बना रहा है। ओके ओके, बैंक निफ्टी साइडवेज है, ऊपर जाके गैप अप खुलने के बाद साइडवेज हो गया है और एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। 40,500 को ब्रेक मारा हुआ है। चलिए वो ब्रेक करके ऊपर गया बैंक निफ्टी। अब ये 707 रुपए का हाई मारा है। चलिए 2 पॉइंट यहां से आए, कोई बात नहीं, हम लोग वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए किसको किसको कॉन्फिडेंस है कि टाटा कंज्यूमर पॉजिटिव रिजल्ट देगा, 710 तक जाएगा, 713 तक जाएगा, किसको किसको कॉन्फिडेंस लग रहा है?
बताइए किसको किसको लग रहा है। किसको किसको लग रहा है बताइए, कुछ कॉन्फिडेंस है आप लोगों को कि जाएगा टाटा कंज्यूमर ऊपर? हाँ, इस एरिया के नीचे क्लोज होगा तो फिर ये निगेटिव हो जाएगा, ये एरिया, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक नहीं तब तक ठीक है। क्या लिख रहे हैं? 705 के ऊपर है तब तक अच्छा। हाँ, 705 के ऊपर जब तक है तब तक अच्छा है, नहीं 703 इंपॉर्टेंट है, अगर वो कट गया तो फिर वापस से वो निगेटिव हो जाएगा। सर टाटा कंज्यूमर, क्या मैंने 50 क्वांटिटी का ऑर्डर लगाया था, मुझे एक भी शेयर नहीं दिया? हाँ वही तो, मुझे तो 7 ही शेयर दिया था, 70 की जगह 7 ही क्वांटिटी दिया था, नहीं देखा आपने? 70 की जगह 7 ही क्वांटिटी ही दिया था बलिंदर साहब। वही तो मैं पूछ रहा था कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है ना? 70 की जगह 7 ही क्वांटिटी दिया। चलिए देखते हैं, हम लोग आज दिन में इसको अपडेट करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं क्लोज करता हूं। अभी ये मेरा 703 का अगर कट गया स्टॉप लॉस, कट गया क्योंकि हम लोग सेफ्टी है, इसके नीचे तक अगर वापस से क्लोज कर गया तो निगेटिव ट्रेंड हो जाएगा। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही रहने वाला है।
तब तक इसका ट्रेंड पॉजिटिव ही रहने वाला है। और उसके नीचे चला गया तो निगेटिव। बैंक निफ्टी एकदम लोगों का पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने तो पहला टारगेट भी डन कर दिया भाई, 876 का हो गया। देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक कितना जबरदस्त। प्ले हुआ बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन में लेवल ही ट्रिगर नहीं हो रहा है तो हमें लग क्या लेना देना। आएगा लेवल तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। हाँ इसमें हम लोग टाटा कंज्यूमर में बिल्कुल, कहाँ गया टाटा कंज्यूमर, यहां है बिल्कुल बने रहेंगे अपने स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये कट गया तो फिर निगेटिव, नहीं कटा तो रिवर्सल। चार सौ 523 का बैंक निफ्टी ने हाई मारा है। बैंक निफ्टी पूरा कोशिश कर रहा है नीचे आने का। लेकिन आ नहीं पा रहा क्योंकि वही पेन है भरा हुआ है, पेन एकदम दर्द भरा हुआ है, इतना शॉर्ट बना हुआ है। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे यहां पे ना तो बिल्कुल आपको साइडवेज नजर आएगा। देखिए है ना, ऊपर गैप अप खुलने के बाद ये प्योर साइडवेज हो गया। अब इसके ऊपर निकल गया तो पॉजिटिव, इसके नीचे निकल गया तो निगेटिव। इसके नीचे निकले तो पुट लीजिए, इसके ऊपर जाए तो कॉल लीजिए, बीच में है तो कुछ मत कीजिए। चालीस 400 का पुट लेना होगा तो 310 305 ये सब एरिया, 310 ज्यादा बेहतर है, उसके ऊपर ज्यादा अच्छा मूवमेंट बन सकता है। नहीं तो हमारा तो ट्रेड टाटा कंज्यूमर में है, हम लोग देखेंगे कि वो हमारा स्टॉप लॉस काटता है कि हमें अंततः प्रॉफिट देके निकालता है। देखिए ये भी पूरी कोशिश कर रहा है, इस एरिया के नीचे क्लोज कर गया तो निगेटिव। दिस इज सपोर्ट एरिया, नाउ कन्वर्ट इनटू सपोर्ट एरिया है ना, ये वाला। ये वाला पॉइंट इसके नीचे निकल गया तो निगेटिव।
बाकी क्या कर रहा है बैंक निफ्टी? बक्से में है अभी तक, ये इसी बक्से में फंसा के लोगों को जान मार देगा। कहने का मतलब है साइडवेज करा के सारे प्रीमियम खा जाएगा, और उसके बाद जब सारा प्रीमियम खत्म हो जाएगा, गल जाएगा, लोगों के पास पैसे नहीं बचेंगे, तब फिर वो ऊपर भागेगा या नीचे भागेगा, किसी एक डायरेक्शन में भागेगा। इस जगह पे लीजिएगा, सिर्फ प्रीमियम गलेगा। तो लेना है इसके नीचे पुट लेना है 40,350-75 के नीचे, और 40,535 के ऊपर कॉल लेना। इसी तरह निफ्टी 17,200-250 हर्डल एरिया है, ये सेलिंग जोन है, ये सेल जोन है। इसके नीचे अगर निकलता है 250 के नीचे, तो बिल्कुल पुट लिया जा सकता है। हम लोग कैश पर टाटा कंज्यूमर को देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक ने तो हमारा काम किया, क्या टाटा कंज्यूमर भी काम करता है या नहीं। देखिए किस तरह से टाटा कंज्यूमर बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने सपोर्ट को टच करते हुए, यानी कि अपने एरिया को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की साइड में जा रहा है ना। तो वेट एंड वॉच। इस एरिया के नीचे क्लोज करेगा जो लगा रखा, तो वो फिर हमारा ट्रेंड वापस से निगेटिव है, इसलिए स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके पास में ही लगाया गया है। 303.5 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, एक्चुअली 303.5 नहीं, सॉरी, हाँ 303 है, ठीक है, 303 पर ही हमारा स्टॉप लॉस। तो वेट करते हैं, है ना। अच्छा एक बात सच सच बताइए, सच सच बताइए, जब टाटा कंज्यूमर नीचे आ रहा था, तो आप में से कितने लोगों को लग रहा था कि ये स्टॉप लॉस काटनेगा? कितने लोगों को लग रहा था बताइएगा? जब टाटा कंज्यूमर यहां पर आया, तो आप में से कितने लोगों को लगा कि अब आपका स्टॉप लॉस कटने वाला है? बताइए, सच सच बताइए। कितने लोगों को लगा? शिव कुमार बिरादे साहब, कैसे हैं आप? क्या लिख रहे हैं? रीटेस्ट के लिए आ रहा था, ब्रेकआउट लेवल। ओके, विजय जी ने लिखा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए अब हम लोग फिर से वापस से टाटा कंज्यूमर में प्रॉफिट में आ गए, है ना। अच्छा अब इसका सेकेंड पार्ट समझते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट क्या समझे हम लोग, क्या समझे, क्या देखा कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हम लोग यहां पर गए, इसमें हम लोग किस में गए, यहां पर गए मार्केट मूवर्स में चले गए, और यहां पर से देख लिया स्टॉक्स कौन सा पॉजिटिव ज्यादा बढ़िया चल रहा है, वहां से उठा लिया, है ना, वहां से उठा। आपकी कृपा से बिल्कुल मजे में। ओके बिरादे साहब, ठीक है, पहले रिलायंस पे नजर रखा, फिर आईसीआईसीआई बैंक पे नजर रखा, तो रिलायंस ने भी अच्छा लेवल को रिस्पेक्ट किया, कहा भी था इस लाइन के पास से रिलायंस ऊपर भागना चाहिए, और यहाँ से रिलायंस ऊपर भागा। ये दो लाइन हम लोगों ने यहाँ पे लगाए थे ना, 2290 वाला ये लाइन लगाया था और ये वाला लगाया था, किसके ऊपर अगर जाता है तो रिलायंस में आपको पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा, तो यहाँ से अच्छा भागा। इसी तरह से दूसरा स्टॉक्स भी हम लोगों ने लिया आईसीआईसीआई बैंक, उसमें भी काम हो गया। अब लिया हम लोगों ने टाटा कंज्यूमर, लोग
तो सिंपल सा तरीका है चीजों को समझने का, देखने का, टाटा मोटर्स। शॉर्ट किया था प्रमोद जी, मैंने कहा भी था कि गड़बड़ है यहाँ पे, निफ्टी पे नजर रखें। ओके, रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो देखिए किस तरह से तेजी आ गया है ना। आज एकदम गर्दा उड़ा रखेगा। ये एरिया रेजिस्टेंस एरिया था जहां आपने शॉर्ट किया था, लेकिन अच्छा था कि आपने रेजिस्टेंस पे शॉर्ट किया था। और ये एरिया, ये इसका, इसके नीचे सस्टेन करता तो निगेटिव हो जाता, निकल गया। ओके ओके ठीक है, अभी इंडिगो में आ गया। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, निकल गया तो अच्छी बात है ना। वो एरिया काफी अच्छा सपोर्ट में बन रहा था उसका। देखिए वापस से टाटा कंज्यूमर नीचे, वापस से नीचे, जैसे ब्रेक करेगा 703 निगेटिव है, 11 पॉइंट बुक भी कर लिया इंडिगो में। वाह प्रमोद जी बहुत सुंदर। बहुत ही बढ़िया। बैंक निफ्टी के चक्कर में नहीं पड़ना है आज, क्योंकि वो आप फंसा के जान मार देगा। साइडवेज में है, 400 के नीचे सस्टेन कर रहा है, बॉक्स के नीचे करने की कोशिश कर रहा है ना। ना उसके नीचे करने के आ रहा है नीचे, ये 375 वाला एरिया, और ना ऊपर जा रहा है। ये एरिया बिल्कुल वेट एंड वॉच वाला है। देखिए बाप रे, कितना लंबा लिखा सर आपने राघवन जी। सर मार्च मंथ बैंक निफ्टी ओपनिंग प्राइस इतना, दिसंबर जनवरी फिर ऑल 3 मंथ्स वेर इन रेड, दिस मंथ में क्लोज इन ग्रीन, अदरवाइज इफ क्लोजेस इन रेड इट विल बी रिकॉर्ड फॉर क्लोजिंग रेड फॉर 4 मंथ्स कंटिन्यूअसली। डू नॉट नो बैंक निफ्टी टूडे क्लोजेज एवे 40,072, मेक दिस मंथ इन ग्रीन, मे हैपन और मे नॉट, दिस इज माई परसेप्शन, करेक्ट नो। ओके सर, होता है सर, रिकवरी तो देखने को मिलेगा ही ना। रिकवरी क्या, शॉर्ट कवरिंग, रिकवरी नहीं शॉर्ट कवरिंग है ना, नॉट ए रिकवरी, दिस इज शॉर्ट कवरिंग। वो तो नियम है कि कोई चीज कंटिन्यू ना तो वन वे जा सकता है नीचे, ना वन वे ऊपर, तो बीच बीच में तो वो आपको देखने को मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग वगैरह है ना। देख रहे ये बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों कैसे एक बक्से में फंसा रखा है, कैसे ये 17,250 के नीचे नहीं आ रहा है। लोगों को लगता हुआ कि आ जाएगा, आ जाएगा तब करिएगा, पहले मत कर लीजिएगा। 250 के नीचे एकदम पुट बाय करिए, 50 पॉइंट आपको तेजी से मिल जाएगा, लेकिन जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक नहीं। इसी तरह बैंक निफ्टी 40,375 के नीचे पुट बाय करिए, 370 375 के नीचे, तो आपको यहां से लगभग लगभग 100 पॉइंट 150 पॉइंट मिल सकता है। बीच में जब तक है बस सिर्फ प्रीमियम खाएगा वो आपका काट काट के। तो वैसे में हम लोगों को नहीं फंसना है, हम लोगों ने अपना काम कर लिया बेहतर तरीके से, और बस अभी हम लोग टाटा कंज्यूमर में बने हुए हैं। क्या आपकी लास्ट वीडियो की बात याद आई, लॉस काटने वाली लॉस हो या तुरंत काटना है उसी को ध्यान रखते हुए लॉस काटा और इंडिगो में बैठे। वाह बहुत सुंदर, लॉस तुरंत काटना है, सही बात। ये कह रहा हूं मिर्जा इंटरनेशनल में रेड टेप नाम का स्टॉक आप लोगों की लिस्ट में आया क्या, डीमेट में आया क्या? मेरा तो भी नहीं आया है शायद।
नहीं मेरा नहीं आया अभी, अभी वो लिस्ट नहीं हुआ रेड टेप। होगा होगा। लॉस हो तो तुरंत काटना, बिल्कुल सही, लॉस हो तो तुरंत काटना, और नहीं तो लॉस आपको काट देगा। बढ़िया, तो चलिए इसको चलने देते हैं हम लोग। अगर ये कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो नहीं कटा, ठीक है। तो अभी मैं क्लोज करता हूं, बस आप इसी तरह से स्टडी करिए, चीजों को मार्क करिए, उसके ऊपर आपको एंट्री करना है, उसके नीचे आपको निगेटिव होना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्लोज करता हूं। दोस्तों समय 10:38:53 हो रहा है। देखिए मैं आपको अपडेट कर दूं कि ये मेरा टाटा कंज्यूमर में जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखाने के माध्यम से ये ट्रेड लिया था वो अभी भी मेरा ऑन है और ये स्टॉप लॉस नहीं कटा है, चल रहा है, 32-33 का प्रॉफिट चल रहा है, 710 का ऊपर हर टारगेट है। तो अभी मैं चूंकि सिस्टम पर रहूंगा नहीं तो हो सकता है आपको पूरा रिकॉर्डिंग ना मिल पाए, तो जब भी मैं वापस आऊंगा रिटर्निंग अगर लाइव मार्केट में आ गया तब तो मैं अपडेट कर दूंगा, अदरवाइज आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ये 710 का आएगा तो मेरा टारगेट आ गया, अदरवाइज ये 703 के नीचे गया तो मेरा स्टॉप लॉस कट गया, ठीक है। तो किस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं ये सिखाने का मेरा पर्पज था। आप इसको देखिए, समझिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए, ठीक है, कंप्लीट देखिए वीडियो।